हेलो, वेलकम टू हेडस्टार्ट कंप्यूटर। आज पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे और रिहर्स टाइमिंग को यूज़ करके टाइमिंग देंगे। तो चलिए पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। तो इसको बोला जाता है टाइटल स्लाइड, और यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है, एक एक बॉक्स को प्लेस होल्डर बोला जाता है। ठीक है, तो पहला वाला बॉक्स में हम टॉपिक का नाम लिख देंगे। यहाँ पे लिखना है जिसका प्रेजेंटेशन है उसका नाम। अब एक न्यू स्लाइड बना लेंगे, उसके लिए न्यू स्लाइड के लोअर पार्ट में क्लिक करेंगे और इधर से कोई भी जो सूटेबल लगे वो ले लेना है। तो अभी के लिए टाइटल एंड कंटेंट ले लेंगे। अब यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा शॉर्टकट्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इंसर्ट टेबल, इंसर्ट चार्ट, स्मार्ट आर्ट, पिक्चर, क्लिप आर्ट, मीडिया क्लिप्स, तो इतना सारा चीज़ यहाँ पे लाया जा सकता। तो अभी के लिए एक स्मार्ट आर्ट लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारा स्मार्ट आर्ट का टाइप है, ठीक है। इसमें से जो काम का लगे वो चूज़ कर लेना है। मैं एक चूज़ कर लेता हूँ, तो ये वाला चूज़ कर लेंगे। तो देखिए पावर पॉइंट के अंदर स्मार्ट आर्ट आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो है ये पिक्चर का साइन है, तो इसका मतलब ये जो सर्कल है इसके अंदर कोई भी पिक्चर आएगा। तो पिक्चर ले आने के लिए यहाँ पे जो पिक्चर का साइन है यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होगा जहाँ से आप पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जहाँ पे पिक्चर है वहाँ पे चले जाइए और पिक्चर को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं पिक्चर सिलेक्ट कर लेता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट लिख देना है, ओके। तो ऐसे करके मैं कुछ लिख लेता हूँ। अब अगर और भी पिक्चर ले आना है तो यहाँ पे देखिए स्मार्ट आर्ट टूल्स के नीचे देखिए डिज़ाइन टैब है, उसके नीचे यहाँ पे ऐड शेप लिखा है, ठीक है। यहाँ पे ऐड शेप के नीचे क्लिक करेंगे और ऐड शेप आफ्टर में क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे और एक आ गया, तो जितना चाहे उतना आप कर सकते हैं। देखिए अच्छा, देखिए आप यहाँ पे जब ऐड शेप करेंगे तब यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं आएगा, जब क्लिक करेंगे कोई कर्सर भी नहीं आएगा। तो टेक्स्ट लिखने के लिए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। और नहीं तो कुछ भी नहीं करना है, जस्ट क्लिक करके टाइपिंग कर देना है, ठीक है, तो हो जाएगा। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, हो गया। अब न्यू स्लाइड करेंगे, करके टाइटल एंड कंटेंट ले लेंगे। तो अब यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कलम्स और रोज सिलेक्ट कर देना है, ओके। अब इस टेबल के अंदर डेटा एंट्री कर देना है, ठीक है। तो मैं कुछ डेटा एंट्री कर देता हूँ। अब सेम तरीके से आउटपुट डिवाइस का स्लाइड्स बना लेंगे, हो गया। अब एक थैंक यू स्लाइड बना लेंगे, हो गया। अब डिज़ाइन देना है सबको, अब सबको एनिमेशन देना है अच्छे से। उसके लिए एनिमेशन टैब में जाना है, उसके बाद कस्टम एनिमेशन में जाना है। अब जिसको एनिमेशन देना है उसके ऊपर एक बार क्लिक करना है, देन यहाँ पे ऐड इफ़ेक्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे एंट्रेंस, पहले एंट्रेंस देंगे, ठीक है, अच्छे से देख लेते हैं कौन सा अच्छा है। अब एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे जब हम एंट्रेंस को दे रहे थे तो यहाँ पे देखिए और भी चीज़ है, एम्फेसिस, एग्जिट, मोशन पाथ्स। मोशन पाथ्स का काम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एम्फेसिस और एग्जिट क्या है, तो पहले एंट्रेंस को समझ लेते हैं। एंट्रेंस जो है इसका नाम से ही पता चल रहा है, ये
इंटर करने के लिए है, ठीक है। तो जब हम इसको F5 करेंगे तो देखिए यहाँ पे आया, ठीक है, कुछ नहीं था, ठीक है, कुछ नहीं था और उसको फेड होके आ गया, तो ये एंट्रेंस है, इंटर करा, ठीक है। अब क्या होगा, इसके ऊपर ही और एक इफेक्ट देंगे, वो है एम्फेसिस, यहाँ पे कुछ भी एक दे देंगे, ठीक है। एम्फेसिस का मतलब जोर देना, किसी के ऊपर जोर और उसको हाईलाइट करने के लिए ये यूज़ होता है। तो देखिए, तो ये एम्फेसिस हो गया, अब एग्जिट को देख लेते हैं क्या है। यही दे देते हैं, तो और एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए नहीं है, आ गया, उसको एम्फेसिस किया और चला गया, ठीक है। ये तीन काम यहाँ से हो जाता है, ठीक है ना, पहले आएगा, डांस करेगा, चला जाएगा, तो ऐसा कुछ काम यहाँ पे होता है। तो मैं सबको नहीं दूंगा, आप प्रैक्टिस कीजिए, सबको अच्छे से कंबाइन करके बहुत अच्छा अच्छा एनिमेशन तैयार कीजिए, ठीक है। ये सेकंड स्लाइड है, यहाँ पे भी दे देंगे, हेडिंग को दे देंगे एक अच्छा सा कोई भी, ये दे दिया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्मार्ट आर्ट को एनिमेशन देंगे, ठीक है ना। तो इसको जब एनिमेशन देंगे तो देखिए, तो एनिमेशन मैं देता हूँ, क्लिक किया तो एनिमेशन देंगे एंट्रेंस, ठीक है, और यहाँ पे कुछ एक दे देते हैं कोई भी, ठीक है। देखिए एक साथ सब आ रहा है, ठीक है ना, कोई भी हम देंगे तो देखिए एक साथ आएगा, देखिए यहाँ पे एक साथ सब कुछ आ रहा है। तो अगर अलग अलग करके मुझे लेना है, मतलब पहले ये वाला लाइन आएगा, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, एक के बाद एक आएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए पहले इधर से कोई एनिमेशन नहीं देंगे, ठीक है ना, तो अभी के लिए कैंसिल कर देंगे, तो कुछ एनिमेशन यहाँ पे नहीं देंगे। पहले क्या करना पड़ेगा, इधर चले आना है, देखिए एनिमेट यहाँ पे क्लिक किया हुआ रहेगा, और यहाँ पे एनिमेट जो ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए नो एनिमेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए एज वन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑल एट वंस और वन बाई वन, तीन टाइप है। तो मैं यहाँ पे वन बाई वन ले लेता हूँ, ठीक है। लेने के बाद अब इधर क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे दो नंबर है, तो यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे दो नंबर में क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। तो करने के बाद यहाँ पे देखिए चेंज ऑप्शन मिलेगा, अब इधर क्लिक कीजिए, अब एंट्रेंस में आइए और इधर से जो चाहे वो दे सकते हैं, देखिए एक एक करके आएगा, ओके, समझ गए। अभी के लिए रैंडम इफेक्ट्स दे देता हूँ। अब अगर हर एक लाइन में अलग अलग एनिमेशन देना है, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए एक डाउन एरो दिख रहा है, तो इसको क्लिक करने से ये एक्सपेंड कर जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2, 3, 4, 5 ये करके एनिमेशन का नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 और नीचे खाली है, तो ये 2 का हिस्सा है, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों हिस्सा है, तो ये दोनों 2 का पार्ट है, ठीक है। तो दोनों को एक साथ कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे फिर से चेंज बटन में क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे देखिए एंट्रेंस और मोड इफेक्ट, अब यहाँ पे देखिए चूज़ करिए, सिर्फ ये वाला इस लाइन को दिखाएगा, ठीक है। तो ओके कर देने से हो जाएगा। फिर से अगर तीन नंबर वाला चेंज करना है, मतलब ये वाला सेकंड लाइन, इसको करने के लिए तीन नंबर के ऊपर कंट्रोल दबा के दोनों को क्लिक करना है, सिलेक्ट हो जाएगा, फिर से चेंज, ठीक है, दूसरा दे देना है। तो ऐसे करके हर एक को अलग अलग एनिमेशन अलग अलग लाइन में दिया जा सकता है, ठीक है। अब थर्ड स्लाइड को एनिमेशन देंगे, उसके लिए जिसको एनिमेशन देना है उसके ऊपर पहले क्लिक करना है, क्लिक कर दिया, उसके बाद ऐड इफेक्ट, एंट्रेंस, कुछ भी दे देना है अच्छे से, इसको ले लेते हैं। अब अगर इसको भी थोड़ा मॉडिफाई करना है तो क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे जो एनिमेशन के पास छोटा सा एरो दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेनू खुल जाएगा, यहाँ पे देखिए इफेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए
इफेक्ट के अंदर में देखिए यहाँ पे एनिमेट टेक्स्ट, देखिए ऑल एट वंस लिखा है, इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए बाय वर्ड बाय लेटर, तो कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं, एक बार बाय लेटर करके देख लेते हैं। कर लिया, अब ओके करेंगे। अच्छा लग रहा है तो ऐसे करके आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और बहुत अच्छा अच्छा एनिमेशन तैयार कर सकते हैं। ओके, ऐसे करके बाकी सबको दे देना है। और एक बात, यहाँ पे देखिए एनिमेशन जो है, जो प्ले हो रहा है, तो एक स्पीड में प्ले हो रहा है, तो इस स्पीड को कम ज़्यादा किया जा सकता है। इसके लिए यहाँ पे स्पीड का ऑप्शन मिलेगा, तो इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। ओके, और यहाँ पे देखिए इफ़ेक्ट ऑप्शन में आइए, और यहाँ पे देखिए साउंड, एनिमेशन के अंदर साउंड भी दिया जा सकता है, ठीक है? तो आप ट्राई कर लीजिएगा साउंड दे के कैसा लगता है, हो जाए तो ओके कर देना है। सबका एनिमेशन दे दिया है, अब सबको ट्रांजिशन दे देना है, तो मैं ट्रांजिशन दे देता हूँ। और यहाँ पे देखिए अप्लाई टू ऑल कर दिया, तो ट्रांजिशन सभी में सेम हो गया। ओके, अब अच्छे से देखिए यहाँ पे ऑन माउस क्लिक टिक मार्क दिया हुआ है, अब हम प्ले करेंगे तो देखिए कुछ नहीं आएगा जब तक ना हम क्लिक करें और कीबोर्ड से एंटर और एरो कीज़ प्रेस करें, तो एक एक करके करेंगे, जब तक ना क्लिक करेंगे तब तक नहीं आएगा, ठीक है ना? तो ये हो गया एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर मैं ऑन माउस क्लिक को ऑफ़ करके ऑटोमेटिकली आफ्टर को ऑन करूं और अप्लाई टू ऑल करूं और F5 दबाऊं, तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आना शुरू हो गया, ठीक है, और अपने आप चलता जा रहा है, ठीक है ना? अगर मैं चाहूँ तो किसी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ तो नहीं बोल सकता, माउस कीबोर्ड वेबकैम किसी के बारे में अगर कुछ बोलना चाहता हूँ तो नहीं बोल सकता, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली चलता जाएगा, ठीक है ना? मैं कुछ बोलना शुरू करूँगा, ख़त्म भी नहीं होगा, तो दूसरा तीसरा करके प्रेजेंटेशन ही ख़त्म हो जाएगा। इसका एक उपाय है कि मैं बोलता रहूँगा और मेरे साथ साथ वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा, लेकिन मेरे साथ साथ मैं जब तक बोलूँगा तब तक रुका रहेगा, मेरा बोलना ख़त्म हो जाएगा और वो नेक्स्ट चला जाएगा। तो वो कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। उसके लिए पहले स्लाइड शो के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए रिहर्स टाइमिंग, यहाँ पे जब भी क्लिक करेंगे प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगा और उसके साथ साथ एक टाइमर भी चालू हो जाएगा, तो आप जब बोलते रहेंगे तो यहाँ पे एक टाइमर चलता जाएगा। तो मैं रिहर्स टाइमिंग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है? देखिए एक टाइमर चालू हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए जब तक हम कुछ यहाँ पे बोलते रहेंगे ये नहीं आएगा, ठीक है ना? देखिए यहाँ पे टाइमर चल रहा है, मतलब ये सेव हो रहा है, ठीक है ना? अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पहला वाला हेडिंग आ गया, ठीक है? देखिए यहाँ पे टाइमिंग चलता जा रहा है, टाइमिंग नहीं रुक रहा है, ठीक है ना? तो इतना देर तक हम 25 सेकंड तक हो गया, तो देखते हैं पूरा प्रेजेंटेशन देने में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है ना? जो प्रेजेंट करेगा तो कुछ बोलेगा इसके बारे में, हो गया, कौन बनाया है वो भी बोलेगा, ये चला गया तो कौन बोलेगा, कौन प्रेजेंट कर रहा है वो बोलेगा, ठीक है? उसके बाद फिर से नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट स्लाइड में चला जाएगा, उसके बाद फिर से नेक्स्ट करेंगे, देखिए फिर से आ गया, फिर से नेक्स्ट करेंगे माउस, ठीक है? फिर से आएंगे कीबोर्ड, जब तक कीबोर्ड के बारे में बोलेंगे तो यहाँ पे टाइमर चलता रहेगा, तो मेरा कीबोर्ड के बारे में बोलना हो गया 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, ठीक है ना? कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जितना टाइम ले सकते हैं। तो हो गया, कीबोर्ड के बारे में बोलना हो गया, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, वेबकैम के बारे में बोलेंगे, तो यहाँ पे देखिए टाइमर चालू है, ठीक है? तो मैं बोलता जा रहा हूँ और यहाँ पे वो रुका हुआ है, फिर से हम क्लिक करेंगे तो स्कैनर आ गया, ठीक है? ऐसे करके स्कैनर के बारे में बोलना हो गया, अब माइक्रोफोन हो गया, ऐसे करके एक के बाद एक जितना टाइम ले सकते हैं उतना टाइम लेके अच्छे से प्रेजेंटेशन इससे बनाया जा सकता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए बहुत सारा टेक्स्ट है, इसको डिस्कस करना है, तो इसको डिस्कस करने में बहुत सारा टाइम लगेगा, तो उतना सारा टाइम यहाँ पे टाइमर चलता रहेगा और पूरा डिस्कस हो जाने के बाद फिर से नेक्स्ट।
फिर से नेक्स्ट, फिर से यहाँ पे डिस्कस करेंगे आउटपुट डिवाइस के ऊपर, हो जाएगा तो फिर से एक एक करके उसका एग्जाम्पल आएगा, तो एक एक करके एक नेक्स्ट करेंगे और आता जाएगा। तो ऐसे करके हम दे देते हैं ओके। तो जब हो जाएगा तो आखिर में पूरा फिनिश हो जाएगा, और यहाँ पे यस और नो बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये हमें तो चाहिए, ये रखना है, तो इसको यस कर देना है। यस कर देने से यहाँ पे देखिए हर एक स्लाइड में कितना टाइम है वो दिखा दिया, ठीक है ना। फर्स्ट स्लाइड में 45 सेकेंड हो गया, सेकेंड स्लाइड में 48 सेकेंड, देन 22, 20 सेकेंड, 5 सेकेंड, ठीक है, 13 सेकेंड। तो ऐसे करके एक एक स्लाइड का टाइमिंग हो गया। अब क्या करना है, रिहर्स टाइमिंग का काम ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ पे F5 दबाना है। F5 दबाने के बाद देखिए वो वेट करना पड़ेगा, कुछ भी क्लिक नहीं करना है और कुछ भी प्रेस नहीं करना है कीबोर्ड से, प्रैक्टिस होगा। देखिए आ गया ओके। ऐसे करके बाकी का सब कुछ आ जाएगा, जितना टाइम है उतना टाइम दे के आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।